Welcome to Tricky English Express YouTube channel. Guys, I would like to tell you about preposition. Preposition एक ऐसा topic है grammar का जो किसी exam में error, deduction, close test, fill in the blanks आता है तो वहाँ preposition का concept देखने की ज़रूरत होता है यानी बहुत ही importance रखता है ये preposition. दोस्तों ये सबसे popular demanding topic है all students के लिए. You know this preposition. Actually preposition दो words से बना है दोस्तों. Pre plus position. Pre means पहले और position means स्थिति. You know this preposition is a word place of the noun or pronoun denotes its relation with another words and noun or pronoun. दोस्तों यहाँ पे आप example देखो. दोस्तों आप यहाँ देख रहे pre plus position. Pre means पहले और ये स्थिति या अवस्था होता है. आप यहाँ example देख रहे हैं शिखा is in the room. शिखा कमरे में है. No one is immortal on this earth. संसार में कोई अमर नहीं है. दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ प्रीपोजिशन. दोस्तों यहाँ हम लोग टाइप ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं. गाइज प्रीपोजिशन तीन होते हैं. दोस्तों सिंपल प्रीपोजिशन अधिकांश प्रीपोजिशन पर एक शब्द के होते हैं उन्हें सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल विथ टू इन ऑन ऑफ बाई टिल अंडर फ्रॉम इट इस. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन का. ऐसे प्रीपोजिशन का फॉर्मेशन नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के द्वारा होता है जबकि उसका यूज प्रीपोजिशन जैसा होता है. जस्ट लाइक एग्जाम्पल इनसाइड आउटसाइड इंक्लूडिंग फॉलोइंग. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन का. ये थर्ड में आपको दिख रहा है फ्रेज तो उसके लिए हम लोग देखते हैं. ये जो प्रीपोजिशन है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. जस्ट लाइक एग्जांपल आप देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू के अनुसार बाय डिंट ऑफ के मदद से इन स्पाइट ऑफ के बावजूद इन ऑर्डर टू के लिए इन फ्रंट ऑफ के सामने. इस तरह के बहुत सारे फ्रेज प्रीपोजिशन होता है. ओके गाइज गाइज प्रीपोजिशन वेरियस मीनिंग ऑफ करेक्ट यूजेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ देखेंगे उसका यूज. यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग. दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं यूज ऑफ बिटवीन अमंग दोनों का मीनिंग के बीच में होता है. तो यहाँ हम लोग ट्रिक से ये समझते हैं बिटवीन और अमंग का यूज नाउन एंड नाउन में होता है के बीच के मीनिंग में. एग्जांपल यहाँ देखो आप डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन अंजलि एंड टूनी. दोस्तों यहाँ पे आप दो प्रॉपर नाउन दिख रहे हैं अंजलि और टूनी. तो यहाँ इसके बीच में मैंने बिटवीन का यूज किया यानी दोनों अंजलि और टोनी के बीच में सेव को बांटा गया. क्लियर. दोस्तों यहाँ आप देखो कॉन्टेक्ट में बिटवीन 6 AM एंड 10 PM ये दो नाउन यहाँ भी है सो हो रहा है तो यहाँ उसके लिए मैंने बिटवीन का यूज किया. माई बुक्स वर डिवाइडेड अमंग 4 स्टूडेंट्स. हाँ दो से ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स के लिए मैंने अमंग का यूज किया. ओके एंड नेक्स्ट आप देख लीजिए नेक्स्ट आप देखिए दोस्त. जब मैं दोस्तों के बीच होता हूँ तो मैं हैप्पी फील होता है. ठीक नेक्स्ट दोस्तों यहाँ आप देखो संस्कार में कम एनी डे बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे. यहाँ भी दो नाउन है उसके लिए मैंने बिटवीन का यूज किया. संस्कार किसी दिन मंडे और फ्राइडे को आ सकता है तो आप यहाँ एक्सेप्शन देख रहे हैं अपवाद. इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको आप सुनो. आप दोस्तों एक्सेप्शंस यूज बिटवीन मोर देन टू नाउन स्वीट रिलेशन. देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन कलश सिया एंड सोनाली. यहाँ तीन नाउन दिख रहे हैं ना कलश सिया एंड सोनाली. ये तीन नाउन होने के बावजूद भी मैंने बिटवीन का यूज किया क्योंकि इन तीनों में एक स्वीट रिलेशन है तो इस स्वीट रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बिटवीन का यूज करते हैं. ये एक्सेप्शन हो गई. दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ऐड. इसको भी हम लोग ट्रिक मेथड से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐड का यूज टाइम को एक्सप्रेसिंग करने के लिए और यहाँ पे नाइट नून के लिए भी करते हैं. कॉस्ट फेस्टिवल इवेंट के लिए भी करते हैं. स्मॉल प्लेसेज के लिए तो उसका यूजेज हम लोग देखते हैं. आई वॉज बॉर्न एट 4 o'clock. मेरा जन्म 4 बजे हुआ था. अभिनव गोज टू होम एट 5 o'clock. अभिनव 5 बजे घर जाता है. अब ये सेंटेंस आप देखो दोस्तों. आई लिव इन आनंद विहार दिल्ली.
मैं आनंद विहार में रहता हूँ, ये आनंद विहार दिल्ली में है, तो ये एक बड़ा सा सिटी है इसलिए मैंने इनके यूज किया, यहाँ स्मॉल प्लेसेज के लिए यूज कर। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देखो, आई लिव एट आनंद विहार इन दिल्ली, यानी ये दो प्लेसेज है, बट यहाँ पे ये बड़ी बिग प्लेसेज है और ये स्मॉल प्लेसेज है, तो इसलिए मैंने इसको एट यूज किया और इसके बाद ये बिग प्लेसेज से पहले मैंने इन यूज किया, यानी ये स्मॉल प्लेसेज के लिए एट और बिग प्लेसेज के लिए इन यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखो, ही इज एट ए वर्क, वह काम पर है, तो उसके लिए मैंने एट यूज किया। यू स्टडी एट नाइट, तुम रात में स्टडी करते हो, तो नाइट के पहले भी एट को यूज करते हैं। आई एम बाइंग पोटैटो एट रुपीज़ 10 पर केजी, मैं 10 रुपये के भाव से आलू खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए एट का यूज करते हैं, दिख रहा है ना आपको। आई विल कम होम एट होली, मैं होली में घर आऊँगा, तो यहाँ भी एक फेस्टिवल है होली, उससे पहले मैंने ऐड को यूज किया। क्लियर हो गई दोस्तों, ऐड का यूज एग्जैक्ट टाइम और एज को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अभी एग्जांपल यहाँ देखो आप, मनीष इज एट 20, मनीष 20 साल का है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट एज को एक्सप्रेस कर रहा है। और एग्जांपल आप देखो, आई गेट अप एट 6 o'clock इन एवरी मॉर्निंग, माई इल्डर ब्रदर लिव इन द सिटी, मेरा बड़ा भाई शहर में रहता है। अनामिका इज गुड एट फिजिक्स, अनामिका भौतिकी में अच्छी है। और एक दोस्त, मैं लास्ट बता दूं आपको एक और ट्रिक, एट का यूज स्पीड को भी एक्सप्रेस करने से पहले किया जाता है। द कार वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, ये एग्जांपल हो गई, तो फुल स्पीड से पहले मैंने एट का यूज किया। दोस्तों आपको ये समझ आ गया है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन का यूज बिग प्लेसेज में, टाइम ऑब्जेक्ट में, इनसाइड ऑब्जेक्ट, ऑक्यूपेशन में, डायरेक्शन में और कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल आप जैसे देख रहे हैं, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ एक ये बिग प्लेसेज है, उसके लिए मैंने इन यूज किया, ठीक, दिल्ली से पहले मैंने इन को यूज किया है। अंकल लिव्स इन काठमांडू, मेरा अंकल, मेरे चाचा काठमांडू में रहते हैं। ओके नेक्स्ट आप देख लीजिए, आई गेट अप इन द मॉर्निंग अर्ली, मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, तो इससे पहले भी मैंने इन को यूज किया क्योंकि ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। श्रेया केम हेयर इन अगस्त, श्रेया अगस्त में आई, तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मंथ को नेम, मंथ नेम है, उसके लिए मैंने इन को यूज किया। आई सॉ योर पिक इन दिस मोबाइल, मैंने इस मोबाइल में तुम्हारा पिक देखा, पिक्चर देखा, तो इसके लिए ये इनसाइड ऑब्जेक्ट से पहले मैंने इन को यूज किया। फिर आप देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो यहाँ डायरेक्शन को शो हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन शो हो रहा है, इसके लिए मैंने इन को यूज किया। एवरीवन इज ट्रबल, सभी लोग परेशानी में हैं। अमित इज इन नेवी, अमित नेवी में है, तो ये ऑक्यूपेशन है बट ये कंडीशन को एक्सप्रेस हो रहा है। कुमार विश्वास इज इन पॉलिटिक्स, कुमार विश्वास राजनीति में है, यहाँ भी ऑक्यूपेशन ही एक्सप्रेस हो रहा है। ओके दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, अमन सिंह इज एन जर्नलिज्म, अमन सिंह पत्रकारिता में है, तो ये एक ऑक्यूपेशन है जर्नलिज्म। जब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ इनटू, यूज ऑफ इनटू के यूज फास्ट मोशन टुवर्ड्स के लिए करते हैं, तेजी से गति करते हुए के लिए। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, मेढक कुआं में कूदा, तो यहाँ पे एक मोशन है, मेढक के द्वारा मोशन किया गया, इसके लिए मैंने उससे पहले, द वेल से पहले मैंने इनटू को यूज किया। द बॉय हैज फॉलन इनटू द ग्राउंड, लड़का मैदान में गिरा, तो यहाँ भी एक मोशन है बॉयज के द्वारा। चेंज ए फॉर्म वन स्टेट टू अनदर, मे टर्न इनटू आइस, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। दोस्तों यहाँ कुछ आप देख रहे हैं, इनटू यूज किया गया है, इनटू साथ में ऐड है, ब्रश्ड इनटू
दैट्स द हिंदी मीनिंग जोर जोर से. ब्रेक इंटू जबरदस्ती प्रवेश करना. इट इंटू नष्ट करना. लुक इंटू जांच करना या पड़ताल करना. डू इंटू अनुवाद करना. लेट इंटू अनुमति देना. ओके दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे लुक इंटू जांच करना, डू इंटू अनुवाद करना, लेट इंटू अनुमति देना, टर्न इंटू बदलना. नेक्स्ट एंड लास्ट आप देख रहे हैं सी इंटू विचार करना. इतने यूज प्रीपोजिशन विथ डाई. डाई के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं इसके लिए हम लोग देखते हैं. डाई के साथ इन भी यूज करते हैं बट बैटल और हार्डनेस के लिए. ऑफ भी यूज करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीफ डिजीज हंगर के लिए. फॉर को भी यूज करते हैं बट कंट्री के लिए. फ्रॉम का यूज करते हैं उंड लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सीडेंटल के लिए. बट एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं वन बाई वन. दोस्तों आप देख रहे हैं द ओल्ड मैन डेड इन हार्नेस. बूढ़ा आदमी अत्यधिक काम से मर गया. दोस्तों यहाँ डेड के लिए मैंने हार्नेस को यूज किया तो यहाँ इन यूज करते हैं. ठीक, हार्नेस में इन लिखते हैं, हार्नेस से पहले इन लिखते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द बिगर डेड ऑफ हंगर. भिखारी भूख से मर गया. हंगर के लिए ऑफ यूज करते हैं. नेक्स्ट दोस्तों आप देखो यहाँ पे द आर्मी ऑफ इंडिया डेड फॉर कंट्री. भारत के सैनिक देश के लिए मरे तो कंट्री के लिए फॉर लिखते हैं. ओके, डेड के बाद फॉर को यूज करते हैं बट कंट्री है यहाँ पे इसलिए मैंने फॉर यूज किया. ही डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स. वह चेचक से मरा तो ये एक डिजीज है चेचक, उसके लिए मैंने ऑफ को यूज किया. स्मॉल पॉक्स से पहले मैंने ऑफ को यूज किया और डेड के बाद मैंने ऑफ यूज किया. अ लॉट ऑफ पीपल डेड ऑफ कोरोना. बहुत से लोग कोरोना से मरे तो ये भी एक डिजीज है ये. सी डेड ऑफ कॉलरा. वह कॉलरा से मरी, वह हैजा से मरी, ये भी एक डिजीज है तो ऑफ यूज किया डेड के बाद और कॉलरा से पहले. दोस्तों तो ये हम लोग ट्रिक को याद कर लेंगे. ये ट्रिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. डाई इन बैटल हार्नेस, डाई फॉर कंट्री, डाई फ्रॉम ओन लॉस ऑफ ब्लड एक्सीडेंटल एंड डाई ऑफ ग्रीफ डिजीज हंगर. ये ट्रिक है और इस ट्रिक को हम लोग याद कर लेंगे. ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है याद करने के लिए. ओके गाइज, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. आगे देखो दोस्तों, यूज प्रीपोजिशन विथ डाई. डाई थ्रू नेगलेक्ट, डाई विथ पर्सन. रमन डेड विथ हिज वाइफ. रमन अपनी पत्नी के कारण अपने पत्नी से मरा. वे लोग हिंसा में मरे तो वायलेंस के लिए मैं बाई को यूज किया है. अनिकेत डेड थ्रू नेगलेक्ट. अनिकेत लापरवाही से मरा तो यहाँ नेगलेक्ट से पहले मैंने थ्रू यूज किया और डेड के बाद मैंने थ्रू यूज किया. गाइज फाइनली प्रीपोजिशन को मैंने कंप्लीट किया. मुझे आशा है कि ये आपको समझ आया होगा. और आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें आप. आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा. आई विल वेट योर कमेंट एंड योर कमेंट विल मोटिवेट मी. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ मी. Guys, you can also follow me on WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter. So I have provided the link of the social sites in description. You know what? Go to description and tap on that link. Okay, I will meet you next video. Thank you.